हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग कैसे हो? जैसा कि क्वेश्चन देख के पीछे समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसी क्लास डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स, जो हम लोग क्लास कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। एक दिन पहले हमने डिस्कस किया सीजीएल के प्रश्न को, कल हमने डिस्कस किया सीपीओ के प्रश्न को, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीएचएसएल के प्रश्नों। आज जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सीएचएसएल 2020 के प्रश्न हैं, कल जो भी लिया गया था सीपीओ एसआई 2020 के प्रश्न थे, परसों की क्लास में जो लिया गया था वो सीजीएल 2020 के प्रश्न थे, और कल की क्लास में जो लिया जाएगा वो स्टेनोग्राफर 2020 के प्रश्न होंगे। इसके बाद जो परसों की क्लास में प्रश्न लिए जाएंगे वो सीजीएल प्लस सीएचएसएल प्लस सीपीओ के 2021 के प्रश्न होंगे। जितने भी टॉप क्लास के प्रश्न हैं हम उन्हें आपको सॉल्व करा देंगे। उसके बाद इसके बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं आ सकते, ये मेरी गारंटी है, ठीक। और एक बात समझिए, कल जब हम पेपर के लिए आपके नोट्स से क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे थे पेपर से, तो हमने देखा कि सीपीओ में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं मैट्रिक्स से और 4 प्रश्न स्टेनोग्राफर में मैट्रिक्स से पूछे जाते हैं मिसिंग नंबर से। ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा चैप्टर और 5-5, 6-6 नंबर कवर करता है, और अगर ये चैप्टर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर कवर करता है तो इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है, वो भी अच्छे से कंप्लीट करना है। मुझे एक एक प्रश्न, एक एक पैटर्न सीखना है। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए मैट्रिक्स, और एक बेहतरीन प्रश्न आपके साथ है। चलिए समझिएगा पहले कि इस प्रश्न में क्या किया जा रहा है। आइए, यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, इसको पहले लिख लीजिएगा। हमसे जो पूछा वो इस जगह पे क्या वैल्यू आएगी। देखो भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। इस प्रश्न को हम इसको 3 से भाग कर दें तो 3 × 3 = 9, फिर इसको भी हम 3 से भाग कर दें तो 3 × 6, फिर इसको भी हम 3 से भाग कर दें, 3 × 4 = 12। मीन्स भाग देने वाली संख्या क्या है, सेम है। 3 से इसको भाग दिए तो भागफल कितना आया, 3। 3 से इसको भाग दिए तो भागफल कितना आया, 2। 3 से इसको भाग दिए तो भागफल कितना आया, 4। सेम प्रोसेस आप इधर लगाओ आके। अगर हम इसको 7 से भाग दे दें तो भागफल देखो कितना आएगा, 3। देखो यहाँ पे भी भागफल 3, यहाँ पे भी भागफल 3। इसको 7 से भाग कर दें तो 7 × 2 = 14, तो देखो भागफल 2 है, भागफल 2 है। अगर हम इसको यहाँ पे क्या करें, 7 से भाग कर दें, 7 × 2 = 28, देखो भागफल 4 है, भागफल 4 है, समान भागफल आ रहा है। और इधर हमने जो भाग दिया है वो समान संख्या से भाग दिया, 7 से भाग दिया। यहाँ पे जब हम 3 से भाग दिए तो सब जगह भागफल 3, 2, 4 आया, और यहाँ पे जब हम 7 से भाग दिए तो भागफल 3, 2, 4 आया। भागफल जो यहाँ पे आया है वही भागफल यहाँ पे आया है, बस भाग देने वाली संख्याएं डिफरेंट हैं। अब उसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे करते हैं कि इस संख्या को हम 10 से भाग दें तो 10 × 3 = 30, देखो सब जगह का भागफल सेम हो गया, तो यहाँ का भी भागफल सेम आना चाहिए। इस संख्या को 10 से डिवाइड करो, अगर यहाँ पे हम रख देते हैं 20, तो 20 को देखो जब 10 से, अब यहाँ पे हमने 20 अपने मन से रखा है, जब हम 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो भागफल देखो 2 आएगा, यहाँ पे भी भागफल 2, यहाँ पे भी भागफल 2, यहाँ पे भी भागफल 2, तो आंसर क्या बनेगा, 20। देखिए यहाँ पे 40 को 10 से डिवाइड करिए, 10 × 4 = 40, देखो भागफल 4। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 10 से डिवाइड किया गया, और देखिए यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 10 से, यहाँ पे 7 से। जब हम पहली संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो सब जगह भागफल कितना आता है, सेम आता है, 3 3 3 आता है। और दूसरी लाइन को फिर हम उसी संख्या से, वहां पे ऊपर 3 से किया तो नीचे भी 3 से कर रहे हैं, फिर सबसे नीचे भी 3 से कर रहे हैं, ऊपर हमने 10 से किया तो सेकंड नंबर भी 10 से कर रहे हैं, थर्ड नंबर भी 10 से ही कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर को 7 से किया, सेकंड नंबर को भी 7 से कर रहे हैं, थर्ड नंबर को भी 7 से कर रहे हैं, और भागफल सब जगह सेम आ रहा है। मीन्स हमारे द्वारा किया गया जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 20। कोई डाउट भैया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए एक बार आप प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम बताते हैं आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान भी है, ये वाला मुझे लग रहा है आसान है। जल्दी करिए, नहीं आया? देखिए अगर हम एक बात को ध्यान दें तो ये जो 125 है ये 5 का क्यूब है, और ये 2 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। देखो सब क्यूब लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या कर दे, इस 5 का गुणा कर दे तो
27 को जब 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 135, और यहाँ से एक 4 निकाल लें और 72 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आता है 228, तो वैसे यहाँ से 2 आ जाएगा और 55 में 2 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 110। बहुत ही आसान था। पहले हम ये कह सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं, देखो यही चीज़ इसमें कह सकते हैं कि हम इसका क्यूब रूट निकालें, क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट निकालें और इसका भी क्यूब रूट निकालें। तो ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है 5 का, तो यहाँ से 5 निकला और इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 135। ये क्यूब रूट किसका है 2 से, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ जाएगा 110। ये किसका क्यूब रूट है 4 का, तो 4 का इसमें गुणा करने पर कितना आ जाएगा 228। ये भी कह सकते हैं, ठीक है, बात वही है, आप चाहे इधर से अपना कान पकड़ लो चाहे उधर से अपना कान पकड़ लो, बात एक ही आएगी, आंसर एक ही आएगा। कोई डाउट आपको? भैया CHSL ने भी अच्छे प्रश्न पूछे हुए हैं, बेहतरीन प्रश्न पूछे हुए हैं, पढ़ाने में मज़ा आएगा। टॉप क्लास के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रश्न मैंने छोड़ दिया, वो तो आप लगा ही लोगे, नॉर्मल क्वेश्चंस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऑफलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं उनको हम लगभग 300-350 क्वेश्चंस की एक सीट प्रोवाइड कर देंगे, वो उस सीट को सॉल्व कर लेंगे, उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस भी हमने डाल दिया सब कुछ, ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों को सीट मिल जाएगी। आइए अगला प्रश्न, ये दिया गया 16 391 23 14 270 18 19 क्वेश्चन मार्क 14। चलिए आपका प्रयास एक बार अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी से करिए, आप एक प्रयास कर लीजिए फिर हम बताते हैं, जल्दी से भैया। बताया जाए, देखिए इसमें क्या किया गया कि इस वाले 16 में एक ऐड कर दिया गया तो कितना हो गया 17, फिर इस 17 का इस 23 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस 17 का जो पहले देखो इस 16 में एक ऐड किया गया है, इस 16 में एक ऐड कर दिया गया तो कितना हो गया 17, फिर इस 17 को इस वाले 23 में मल्टीप्लाई किया गया, तो इस वाले जब 23 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 391। वैसे इस वाले 14 में एक ऐड कर दिया कितना हो गया 15, फिर 15 में इस वाले 18 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो कितना आता है 270। 15 8 120 का जीरो हासिल लगेगा, 12 15 1 15 1 और 12 270, मतलब ऊपर वाली संख्या में एक जोड़ा गया, ऊपर वाली संख्या में एक जोड़ा गया, फिर उसका नीचे वाली संख्या के साथ क्या कर दिया गया मल्टीप्लाई कर दिया गया, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाली संख्या मिल जाती है। क्या किया गया, ऊपर वाली संख्या में एक जोड़ा गया, फिर नीचे वाली संख्या को क्या किया गया उसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है बीच वाली संख्या मिलती है। वैसे ही आपको करना है, ऊपर वाली संख्या में एक जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 20, और 20 का 14 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 280। देखिए है ऑप्शन में, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए इस तरह हमें सोचना होगा, ऐसे आप हम नहीं सोच सकते पेपर में बाबू। देखिए पेपर में सोचने के लिए सबसे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी होगी कि क्वेश्चंस किस पैटर्न के बनते हैं पेपर में, पहले तो हमें पैटर्न समझना होगा कि किस किस पैटर्न में क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। हम जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं पेपर के CGL CHSL CPO स्टेनोग्राफर्स के, हम सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करा देंगे, और सारे पैटर्न के जब क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे ना तो आप खूब प्रैक्टिस करना, और जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे ना तो एक दिन ये अपने आप ही आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और जाके आप सेकंड्स में क्वेश्चंस का जवाब देके चले आओगे ना। चलिए आइए अगला प्रश्न लिया जाए, चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न है, समझिए सभी लोग क्या कह रहा है, पहले आप प्रयास करें फिर हम प्रयास करते हैं। अच्छा प्रश्न ये भी है, अगर थोड़ा सा आप एक बार कोशिश करेंगे तो शायद इसका आंसर आ जाएगा, आप प्रयास कर लीजिए एक बार फिर हम बताते हैं आपको, जल्दी करिए भैया सभी लोग। अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन है, अच्छा बात है, आ गया आंसर, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए इसमें क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया गया तो हमें 182 मिल जाएगा। क्या किया गया,
पहली और दूसरी संख्या का क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके क्या किया गया, दो से डिवाइड, तो दो से डिवाइड कर दो एक नंबर दो, दो सती 14 और 26 का 7 में मल्टीप्लाई करो, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगेगा 4 और 7 दुनी 14 और 4 18 आ रहा है। यही दूसरी लाइन में भी चेक करो, यही दूसरी लाइन में भी चेक करो, तो यहाँ पे करोगे दो से काटोगे दो एक नम दो, ये कटेगा 12 दुना 24, 12 छंग 72 का 2 हासिल लगेगा 7 और 12 का नम 12 और 7 19 आ रहा है। सेम वही रूल यहाँ पे लगा दो, क्या कर दो, इसको x मान लो, x गुणे 22 बटे में 2, x गुणे 22 बटे में 2 बराबर में कितना आना चाहिए 187, तो ये कटेगा 11 आएगा और 11 से इसको काटिए 11 एक नम 11 हासिल कितना जाएगा 7 और 11 77, तो x का मान कितना आ गया 17, x का मान कितना आ गया 17। देखिए क्या था, x गुणे 22, x में जब 22 का गुणा करके 2 से डिवाइड करते हो तो बराबर वाली संख्या मिलती कितना 187 मिलती, बराबर में देखिए 187 तो है, जब इस 24 को 16 में गुणा करके 2 से डिवाइड करते हो तो बराबर वाली संख्या मिलती है, 24 को हमने जब 16 में मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या गया 192। वही हम कह सकते हैं x में जब 22 का गुणा करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 187, यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, काट देना 11 आएगा और 11 से इसको काट देना 11 एक कदम 11 और 11 से 77, x की वैल्यू कितनी आ गई 17, x की वैल्यू 17 आ गई, मीन्स यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, कोई डाउट। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, आइए लगाइए इसको, लगाइए जल्दी से सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जल्दी से लगाइए सभी लोग। आ गया नहीं लगा, अरे यार एक आध क्वेश्चन पे तो मेहनत करो थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा तो मेहनत कर सकते हो कि वो भी नहीं कर सकते हो, लगाओ जल्दी से, सब हम ही बता देंगे तो तुम क्या करोगे, तुम भी कुछ कर लो। देखो इसमें क्या किया गया है, 17 में एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 18 और 21 में एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 22, फिर इन दोनों का क्या कर दो गुणा कर दो, इन दोनों का क्या कर दो गुणा, 18 दुना 36 का 6 हासिल लगेगा 3, 18 दुना 36 और 3 39, देखो 396 आ रहा है, करके बताते हैं, देखो या इधर लिख देते हैं, सबसे पहले 17 में एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा 18, फिर 21 में एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा 22 और फिर इन दोनों का क्या कर दो गुणा कर दो, गुणा करने पे क्या आ जाएगा 396, 18 दुना 36 का 6 हासिल लगेगा 3, 18 दुना 36 और 3 396। वैसे यहाँ पे करो 18 में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, इसको उधर लिखते हैं इधर ही लिख देते हैं, 18 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19, ये एक लाइन अलग है ना, 18 में एक जोड़ दिया 19, 22 में एक जोड़ दिया तो 23 और 23 और 19 का जब गुणा करोगे 23 और 19 का जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 432। वही प्रोसेस यहाँ पे करना है कि 19 में एक जोड़ दो तो कितना 20 और 20 में किसका गुणा कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 520, 20 में किसका गुणा किया जाए तो आ जाएगा 520, 31 दुना 62 होता नहीं, 28 एक 29, 29 से भी नहीं आएगा, 25 एक 26, 26 दुना 52, 25 को उठा लो और यहाँ पे रख दो 25 और 25 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 26 और 26 और 20 का गुणा करोगे 26 दुना 52 तो देखो 520 आ जाएगा, मीन्स इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी 25, ये देखो ऑप्शन में है। देखो एक आध क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाना पड़ेगा कैलकुलेशन देखने के लिए, कैलकुलेशन चेक करने के लिए अपना, तो हमने क्या किया है कि दोनों संख्याओं में एक एक जोड़ा है, दोनों संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या में एक एक ऐड किया है, फिर दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरी संख्या मिलती है, दोनों संख्याओं में एक एक जोड़ दिया और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरी संख्या मिलेगी, समझ गए बात को, पहली वाली संख्या में एक जोड़े दूसरी वाली संख्या में एक जोड़े और दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या तीसरी वाली संख्या आपको मिल गई, बताइए कोई डाउट है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए ये प्रश्न आपके सामने जल्दी से लगाइए, बताया जाए
आप एक बार प्रयास कर लो, तो मैं आता हूँ। हाँ कर लीजिए जल्दी से, सभी लोग प्रयास कर लीजिए। क्या आ रहा है आंसर आप देख लीजिए अपना, फिर हम बताते हैं आपको कि आंसर क्या आएगा। अभी तो मेरा भी नहीं आया। नौ नवा इक्यासी और छः छंग छत्तीस, आठ अट्ठाई चौंसठ और तीन त्रिका नौ, चौंसठ नौ पचपन। देखिए अगर ये कर दिया जाए तो आंसर बनेगा। अगर ये कर देते हैं, नौ का स्क्वायर कर दे तो नौ नवा इक्यासी, और छः का स्क्वायर कर दे तो छः छंग छत्तीस, और इक्यासी से छत्तीस घटाओगे तो कितना आएगा, पैंतालीस। देखो पैंतालीस आ रहा है कि नहीं। पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर दो और दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके दोनों संख्या को घटा दो तो तीसरी संख्या आ रही। वैसे यहाँ पे करो, आठ का स्क्वायर कर दो कितना चौंसठ, और तीन का स्क्वायर कर दो कितना नौ, और दोनों को घटा दो कितना चौवन पचपन। चौंसठ से नौ घटाओगे तो कितना आएगा पचपन। ये है ऑप्शन में। क्या किया गया, पहली वाली संख्या का स्क्वायर किया गया और दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर किया गया, स्क्वायर करके जो प्राप्त हुआ उन दोनों को माइनस कर दिया तो हमें क्या तीसरा वाला नंबर मिल गया। यहां पे नहीं आ रहा है, आठ अठाई चौसठ चौसठ और अट्ठारह का स्क्वायर तीन सौ चौबीस होता है, वहां से नहीं आया। इसको बारह कर दो और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 से जब 64 घटाओगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, उसको 12 कर लीजिए, सही कर लीजिए, आंसर 55 आ जाएगा। ठीक है, उसको सही कर लीजिए भैया, अब तो सही है ना, कोई डाउट समझ में आ रहा है सभी को, कहीं पर ना आ रहा हो तो बताओ जल्दी से, समझा दिया जाए उसको। कुछ तो किया नहीं गया, दोनों संख्याओं का वर्ग करके संख्या प्राप्त करके घटा दिया गया, तीसरा वाला नंबर मिला, कोई खास काम किया ही नहीं गया, बहुत आसान था ये वाला। तो आइए अगला लीजिए, ये बताइए, ये अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छी क्वालिटी में गिना जाएगा, लगाओ जल्दी से। ये वाला जिसने लगाया उसको आज ही गिफ्ट मिलेगा, लगाओ स्पीड से लगाइए जल्दी से सभी लोग। ये जिसने लगा दिया समझ लो वो बहुत कलाकार है, मतलब पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो। ये लगाइए जल्दी से, आ गया किसी का, अभी तक नहीं आया, कुछ तो दिमाग लगाओ यार। क्या किया गया, कितना आसान तो है, इसमें क्या किया गया है। देखो मुझे तो एक बात यहां पे समझ में आई थी सिर्फ, अगर 44 में एक जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 45, और 45 में दो का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा 90। वही चीज यहाँ पे करो, अट्ठावन में एक जोड़ दो कितना होगा उनसठ, और उनसठ में दो का गुणा कर दो कितना हो जाएगा 118। वैसे छियानबे में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा सत्तानबे, और सत्तानबे का दो का गुणा करो दो सती चौदह का चार हाथी लगाए दोनों 18 19, देखो 194 ऑप्शन में, ये देखो है। तो इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, आखिर सब जरूरी नहीं कि सबका मतलब ही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि उनका मतलब ही ना हो, जरूरी नहीं कि हमारा सबसे मतलब ही हो, और जरूरी नहीं कि उन सबका हमसे ही मतलब हो, ये इसमें भी रूल फॉलो होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इनका सबसे इन संख्याओं का मतलब भी हो इनसे, और जरूरी नहीं कि इनका मतलब भी ना हो, लेकिन हमें जैसा जरूरत है हमने वैसा कर लिया, हमें इन्हीं दोनों से आंसर प्राप्त हो गया तो हमने इन संख्याओं का यूज ही नहीं किया, क्योंकि हमें ऑप्शन में आंसर मिल भी गया था 194, और जो हम रूल लगा रहे हैं वो सभी लाइनों में फॉलो हो रहा है। जब हमारे द्वारा दिया गया रूल सभी लाइनों में फॉलो हो तो आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्या क्या गया, ऊपर वाली जो संख्या थी उसमें एक जोड़ा गया, जो संख्या थी उसमें एक जोड़ा गया, जोड़ने के बाद उस संख्या में दो का क्या कर दिया गया मल्टीप्लाई कर दिया गया। सबसे पहले संख्या में एक जोड़ोगे, फिर संख्या में दो का मल्टीप्लाई कर दोगे, और तुम्हें जो वाली तीसरी वाली संख्या थी वो संख्या मिल जाएगी। चलो आ गया, ये बताओ जल्दी से, ये बढ़िया प्रश्न है, ये बताओ जल्दी से, आप ये आप बता दें, समझ लो आप बहुत बड़े कलाकार हो, जल्दी से बताओ, ये बढ़िया प्रश्न है। अभी बहुत प्रश्न है भैया, जल्दी करिए नहीं तो बहुत समय चला जाएगा मेरा। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, अभी बहुत पढ़ाना है हमें।
अरे भैया जल्दी बताओ आप लोग, ये प्रश्न अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बताया जाए। चलो देखो, हमने देखा कि हमें 60 मिल रहा है, 60 हमने 60 के ऊपर फोकस किया, इसके ऊपर। तो हमने कहा कि 14 और 16 को जोड़ दिया जाए, 14 और 16 को, देखो यहीं पे लिख के बताते हैं कि इस 14 और इस 16 को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 30, और 30 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो कितना आता है, 60। देखो 60 आ रहा है। वैसे यहाँ पे आए नीचे वाले में कि 15 और 18 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 33, और 33 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 99। देखो 99 आ रहा है। अच्छा वो नहीं दिखाई दे रहा, अभी बताना, अब दिखाई दे रहा है, ठीक। हमने क्या किया, इन दोनों संख्या को जोड़ा, 15 और 18, 33, और 33 में 3 का गुणा किया, 99। ऊपर 14 और 16 को जोड़ा तो 30, 30 में 2 का गुणा कर दिया, 60। अब बीच वाले को करते हैं 11 प्लस 17 कितना, 28। अब यहाँ पे 2 से गुणा किया गया, यहाँ पे 3 से गुणा किया गया, तो इसमें कितने का गुणा करते हैं, बात ये भी तो आती है। या तो 2, 3, 4 होता ना, 2, 3, 4 होता तब तो अच्छा लगता कि हाँ यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 4 से गुणा। लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे 2 से गुणा किया गया, यहाँ पे 3 से गुणा किया गया, तो यहाँ पे कितना करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो 2 से ये मल्टीप्लाई किया गया, ये आया कहाँ से, इस 16 और 14 को घटा दो, इस 16 और 14 को घटा दो कितना आता है, 2। तो जो घटाने के बाद 2 प्राप्त होता है उस 2 का गुणा इसमें किया गया। यहाँ पे आओ, इस 18 और 15 से घटा दो कितना आएगा, 3। तो जो 3 प्राप्त होता है उसका गुणा किया गया है, बात समझ रहे हो। सबसे पहले दोनों संख्याओं को जोड़ा गया, जोड़ने के बाद दोनों संख्याओं को घटाया गया और फिर दोनों को गुणा कर दिया गया। सबसे पहले क्या किया गया, सुनो इसको मैं फिर से लिख के बता दे रहा हूं। सबसे पहले दोनों संख्याओं को जोड़ा गया, 15 और 18 को जोड़ा गया कितना आएगा, 33। फिर 18 और 15 को घटा दिया गया कितना आएगा, 3। फिर इन दोनों संख्याओं का क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया, तो हमारी तीसरी संख्या 33 से 99 प्राप्त होती है। ऊपर वाले को समझो, फिर से लिख के बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 16 और 14 को जोड़ दिया तो कितना आया, 30। फिर हमने 16 से 14 माइनस कर दिया तो कितना आया, 2। फिर हमने इन दोनों का गुणा कर दिया तो क्या प्राप्त हो गया, 60। सबसे पहले दोनों संख्याओं को जोड़े, फिर दोनों संख्याओं को घटा दिए, फिर दोनों का गुणा कर दिए तो हमें तीसरी संख्या मिल रही। सेम रूल यहाँ पे लगाना है, 17 और 11 को जोड़ोगे कितना आएगा, 28। फिर 17 से 11 को माइनस कर दो कितना आएगा, 6। फिर इन दोनों को गुणा कर दोगे तो 6 8 48 का 8 हासिल लगा, 4 6 दूनी 12 और 4 16, मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 168। देखो ऑप्शन में 168, देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न था ये वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक नए पैटर्न का प्रश्न फिर आपको सीखने को मिला होगा आज ना। चलिए बताइए, कोई डाउट है किसी को, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये वाला। आइए ये अगला प्रश्न है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताओ बताओ बताओ, बहुत आसान है ये वाला, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बताओ भैया, नहीं लगा पाए, ये बहुत आसान है, देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। चौवन 60 40 56, देखो हमें एक चीज ये समझ में आ रही है, अगर 54 और 40 को माइनस कर दिया जाए, 54 और 40 को माइनस कर दिया जाए कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर 14 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 14 चौको 56, यही तो आएगा। वैसे ही 68 और 57 को माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 11। फिर 11 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 11 चौको 44, सेम वही लगाओ, 47 से 39 को माइनस कर दो तो एक हासिल जाएगा 17, 17 से 9 जाएगा 8, 47 और 39 18 8 9 17। अच्छा ठीक है, हाँ सही तो है। फिर 8 में 4 का गुणा कर दो तो 8 चौको 32, देखो ऑप्शन में है, ये देखो है तो।
ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जो रूल सब में लगाया, जो पहली लाइन में रूल लगाया वही दूसरी लाइन में लगाया, वही तीसरी लाइन में लगाया। आपके द्वारा लगाया गया रूल सेम होना चाहिए तो आपके द्वारा बनाया गया आंसर भी सही होगा। आप रूल भी एक जैसे लगाना। देखो हमने पहली और दूसरी संख्या को माइनस किया, माइनस करके जो प्राप्त हुआ उसमें चार का गुणा कर दिया तो हमें तीसरी संख्या 56 प्राप्त हुई। वैसे हमने दूसरी लाइन में पहली और दूसरी संख्या को माइनस कर दिया तो हमें 11 मिला, 11 में 4 का गुणा कर दिया 44 हमें लास्ट वाली संख्या मिल गई। तो सेम वही आंसर में लगाओ, 47 से 39 को माइनस कर दो 8, 8 में 4 का गुणा कर दो 32, आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे बढ़े, इस प्रश्न को बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ये तो बहुत आसान है, आ गया, बहुत ही ज्यादा आसान है और हमें लगता है आज का लास्ट प्रश्न है। हाँ जल्दी लगाइए आज का लास्ट प्रश्न, क्लास आज बहुत छोटी हुई होगी ना, आज हमने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। समझ में आया है सबको? अगर नहीं समझ में आया तो प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बता दो, मैं थोड़ा सा और आराम से पढ़ा सकता हूँ। आप जितनी आराम से पढ़ना चाहोगे मैं उतनी आराम से पढ़ाऊंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता तो एक बार पूछ जरूर लेना आप लोग, ठीक है? पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। देखो विद्यार्थियों का एक ही अधिकार प्राप्त हुआ है, वो है पूछने का अधिकार। तो ये अधिकार आप जरूर फॉलो करो, ठीक है? ये आपका अधिकार है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि अगर 11 में एक ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 12, और 5 में एक ऐड कर दें कितना हो जाएगा 6, और 12 और 6 का गुणा कर दें तो कितना आता है 72। देखो 72 आ रहा है, बिल्कुल सही है। वैसे यहाँ पे आओ, 8 में एक ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 9, और 6 में एक ऐड कर दें कितना आ जाएगा 7, और 9 और 7 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 63। देखो 63 आ रहा है। सेम वही लगाना है यहाँ पे, 7 में एक जोड़ दो तो 8, और 8 छंग 48 होता है, तो यहाँ पे 5 रख दो, 5 में एक जोड़ दो तो 6, और इन दोनों को गुणा कर दोगे तो 48। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, क्योंकि 5 में एक जोड़ोगे 6 और 7 में एक जोड़ोगे 8, और 8 छंग 48। देखो 48 यहाँ पे था, 48 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 5 आएगी। बताइए कोई परेशानी आपको, कहीं पर कोई डाउट है तो बताइए। भैया आज की क्लास में मजा आया? अगर मजा आया तो कल की क्लास कंटिन्यू की जाए, वरना वहीं पे मिसिंग नंबर को स्टॉपेज दिया जाए। अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छे क्वेश्चंस हैं और मज़ा आया तो एक बार कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपका एक जन्मसिद्ध अधिकार है बताने का कि आपको क्लास समझ में आई है या नहीं आई है। अगर समझ में आई तो कमेंट करके बता दो, जिससे हमें पढ़ाने में और मज़ा आए। तो कल हम लोग मिलने वाले हैं स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन के साथ, या CGL 2021 के क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी हमारी कल। मैट्रिक्स के कुछ और टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, उनको भी कल हम लोग सीखते हैं और देखते हैं कि किस लेवल तक क्वेश्चंस आते हैं। और आप देखिएगा हम जितना पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स, यहीं से क्वेश्चन कॉपी होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस कॉपी किए जाते हैं, इतने सारे नए क्वेश्चंस पेपर में बनाए नहीं जाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कॉपी पेस्ट का सिलसिला चलता है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खूब मेहनत के साथ पढ़ते रहो।